हरियाणा में कबूतरबाजी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की माने तो 1000 से अधिक मामले दर्ज कर इस तरह के काम में लगे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में विदेश भेजने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के तहत नई SIT ने अब तक कुल 1008 मामले दर्ज किए हैं। इसके तहत 662 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए RRTAA यानी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलरेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्ट ड्राफ्ट तैयार किया है। आज से शुरू हो चुके विंटर सेशन में इसे पास कराया जाएगा। इसके बाद इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। अभी विदेश भेजने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। गृह मंत्री ने लोगों से लीगल तरीके से विदेश जाने की अपील की है। विज ने बताया कि लोगों की सहायता के लिए हमने टोल फ्री नंबर बना रखे हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जमीनें बेचकर एजेंटों के चंगुल में फंस रहे हैं। पहले ऐसे कबूतरबाजों को पकड़ने के लिए एक SIT बनाई गई थी, तब भी कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। फिर से कबूतरबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी है। अनिल विज ने बताया कि हमने 17 अप्रैल 2023 को दोबारा SIT बनाई, जिसमें अभी तक 509 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल विज ने कहा कि हम अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में कबूतरबाजों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। एक्ट पास होने के बाद नियम बनाए जाएंगे ताकि लोग लीगल तरीके से विदेश जाएं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है। इन नंबरों पर शिकायत आने पर उसे SIT को भेजा जाता है। ये हेल्पलाइन नंबर 8053034000 है। अनिल विज ने बताया कि नई SIT द्वारा कुल 2,94,38,300 रुपए की रिकवरी की है। उससे पहले पिछले धोखाधड़ी के कुल 383 अभियोग दर्ज किए गए, जिनके तहत 153 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गत 17 अप्रैल 2023 के बाद 12 दिसंबर 2023 तक कुल 625 अभियोग दर्ज किए गए हैं। कुल 509 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुरानी SIT ने 1,81,57,800 रुपए की रिकवरी की थी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भारती अरोड़ा यानी कि रिटायर्ड जो हैं के नेतृत्व में 2 जून 2020 को कबूतरबाजी के मामले निपटाने के लिए एक SIT का गठन किया गया था। भारती अरोड़ा के नेतृत्व में गठित SIT द्वारा 2 जून 2020 से 30 नवंबर 2021 तक कुल 486 अभियोग दर्ज हुए हैं और 593 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान 1,81,57,800 रिकवरी की गई। अब शिवास कविराज पुलिस महानिरीक्षण अंबाला रेंज की अध्यक्षता में नई SIT का गठन किया गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।